लक्ष्य चोपड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमेशा की तरह। आज हम बात करेंगे एक और धमाकेदार चैंपियंस लीग मुकाबले की जो कि खेला जाएगा एटिहाद स्टेडियम में और होगा मैनचेस्टर सिटी और बोरुसिया डॉर्टमुंड के बीच। और जैसे कि कल मैं और रक्षित बात कर रहे थे लेवेंडोव्स्की पहुंचे थे, आज भी बहुत प्लेयर्स और फॉर्मर टीम्स की एक थीम जो है वो आपको इस प्रीव्यू में नजर आने वाली है। सो रक्षित, ओवर टू यू, आई हैव डन माय बिट। बिल्कुल अनंत, और आज अर्लिंग हालैंड खेलेंगे अपने फॉर्मर क्लब बोरुसिया डॉर्टमुंड के अगेंस्ट, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रेंज ओकेजन फॉर हिम, बट बिकॉज इन्होंने अपना जो नाम था वो बोरुसिया डॉर्टमुंड में बनाया था। बट ऑफ कोर्स अनंत, और भी काफी प्लेयर्स हैं जिनकी हम बात करेंगे जो अपने फॉर्मर क्लब्स के अगेंस्ट इस मैच में खेलेंगे, सो दिस विल बी अ वेरी फैसिनेटिंग बैटल, फैसिनेटिंग टैक्टिकल बैटल एज वेल। बट आई थिंक मैन सिटी को हमें इस मैच में बैक करना पड़ेगा। एनीवेज, हम डिस्कस करेंगे ये सब टॉप फैंटेसी पिक्स, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक्स, एंड ऑफ कोर्स हमारा प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच। अनंत, लेकिन पहले डिस्कस करते हैं कि मैन सिटी के बारे में कि चैंपियंस लीग में दे आर ऑब्वियसली एवरी सीजन अगर आप बात करें वन ऑफ द टॉप टू और थ्री कंटेंडर, इनफैक्ट नंबर वन कंटेंडर, उनका स्क्वाड इज परफेक्ट। पेप गार्डियोला ऑफ कोर्स इज अ लेजेंडरी मैनेजर, इज अ टैक्टिकल जीनियस, एंड ऑफ कोर्स नाउ दे हैव एडेड अर्लिंग हालैंड टू द मिक्स। सो Just tell me, how will Man City screw up this season as well? That is the best question I've ever been asked on View Sports Scout. मतलब इससे ज़्यादा सच्चाई किसी सवाल में कभी नहीं हो सकती, because Manchester City की कहानी यही रही है। Pep Guardiola में पता नहीं वो याया टूरे की एजेंट ने कर्स डाला है कि नहीं, Champions League में कुछ तो इशू है बॉस। They'll remember, you know, वो जो सेमीफाइनल में जो लॉस थी अगेंस्ट रियल मैड्रिड, they'll remember it because they were moments away, यार, centimeters, millimeters away from, you know, making that final appearance. और मुझे लगता है वो final पहुंच जाते तो वो final जीत जाते, but वो हुआ नहीं। और उसकी जो टीस है ना, उसकी जो जो चुभन है, वो I'm sure आज तक वो feel कर रहा होगा, because he's got that attention to detail, right? You love watching Guardiola on the sideline, जब वो all or nothing type के videos आते हैं Guardiola dressing room में, मतलब लगा हुआ है, बता रहा है कि ये 70 मिनट है तुम्हारे पास, तो देख के लगता है कि यार विथ सो मच पैशन, विथ सो मच टैक्टिकल नाउस, हाउ कैन दिस गाय नॉट हैव पिक्ड अप अ चैंपियंस लीग ट्रॉफी विथ दिस टीम, विथ अ टीम लाइक दिस फुल ऑफ सुपरस्टार्स। तो वो तो है, आई थिंक इट्स जस्ट अ केस ऑफ बैड लक। होता है ना कैट का एग्जाम और आईआईटी जेई के एग्जाम, आप कितने भी 99.34% ले आओ, लेकिन ऑन द डे व्हाट यू डू इज व्हाट मैटर्स। आई थिंक चैंपियंस लीग में वो ऑन द डे नहीं कर पाए कभी कभी। बिल्कुल अनंत, और वही मेंटालिटी की बात आ जाती है। हमें पता है टैक्टिक्स में गार्डियोला से बेटर ऑलमोस्ट कोई नहीं है, हमें पता है कि कितना टैलेंट है इस मैन सिटी टीम में, बट इट्स जस्ट अबाउट कि वो जो नॉकआउट चैंपियंस लीग मैचेस में, स्पेशली सेकंड लेग्स में जो मोमेंट्स होते हैं जहां पे यू हैव टू होल्ड योर नर्व, वहां नॉर्मली मैन सिटी थोड़ा स्ट्रगल करती है। एनीवेज, ये हम चर्चा करेंगे ऑब्वियसली जब नेक्स्ट राउंड आएगा, जब नॉकआउट स्टेजेस शुरू होंगी, बिकॉज वी फुली एक्सपेक्ट मैन सिटी टू क्वालिफाई फ्रॉम दिस ग्रुप एंड स्पेशली इन नंबर वन पोजिशन। बात करते हैं अनंत उनके ओपोनेंट्स बोरुसिया डॉर्टमुंड की। नाउ पहले मैच में उन्होंने काफी इंप्रेसिव 3-0 विन पिकअप करी अगेंस्ट कोपेनहावन, बट ऑफ कोर्स इन क्लासिक बोरुसिया डॉर्टमुंड फैशन अपना नेक्स्ट मैच वो 3-0 हार गए अगेंस्ट आरबी लाइपजिग। एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ बोरुसिया डॉर्टमुंड ओवर द लास्ट 4-5 इयर्स, वो कंसिस्टेंसी नहीं ला पाते हैं। सो क्या कुछ भी चांस देते हैं आप इनको इन दिस मैच? यार, यू नो, डॉर्टमुंड इज अ क्लब जो जर्मनी में काफी सारे लोग यूनिवर्सली डिसलाइक करते हैं, लेकिन इंटरनेशनली लोग यूनिवर्सली लाइक करते हैं, और उसका कारण है, यू नो, द फैक्ट दैट दे कीप देयर अ कन्वेयर बेल्ट ऑफ टैलेंट। और हालैंड भी वहीं से निकले हैं, ऑब्वियसली गुंडोगन की भी वही कहानी है, और ये जो थीम जो हमारे प्रीव्यू में होने वाली है उसके बारे में हम आगे भी बात करते रहेंगे, बट दैट्स ऑल्सो देयर प्रॉब्लम, बिकॉज वो पाल पोस के बड़ा करते हैं बेटे को, और फिर बेटा जो है विदेश चला जाता है, मतलब बूढ़े माँ बाप वहीं रह जाते हैं। बट डॉर्टमुंड They'll produce another set of superstars. I mean, Giovanni Reyna comes to mind, Jude Bellingham comes to mind. These guys are still around and they're still developing and they're still so young. So I think with Dortmund, it's just a case of keep punching above your weight in the Champions League, ताकि लोग आपको notice करते रहें। आप एक feeder club ही रहें, लेकिन आप entertaining football खेलें, and that's what I expect from them. वो clean sheet भी रखते हैं, वो RB Leipzig से बुरी तरह हार भी जाते हैं, वो Copenhagen को आराम से हराते हैं, वो आज Manchester City से आसानी से हार भी जाएंगे। बिल्कुल, बोरुसिया डॉर्टमुंड नॉट मेनी आर एक्सपेक्टिंग इस मैच में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट पिकअप करेंगे, अगर करते हैं ऑब्वियसली इट विल डेफिनेटली बूस्ट देयर होप्स। बट आई थिंक अनंत, जो इनका सेविया के साथ मैच डे 3 और 4 में मैच होंगे, आई थिंक दे विल बी इंस्ट्रूमेंटल इन डिटर्मिनिंग कि वो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करते हैं या नहीं। ऑफकोर्स हम अभी बात करेंगे बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन की फॉर मैन सिटी वर्सेज डॉर्टमुंड। ऑफकोर्स हमारी टीम में मोस्टली मैन सिटी के प्लेयर्स आपको देखेंगे, बट वो क्रूशियल डॉर्टमुंड के प्लेयर्स जो आपको
मे बी डिफेंसिव पॉइंट दे सकते हैं, मे बी एक ऑड गोल स्कोर कर सकते हैं ऑन द काउंटर और मे बी सेट पीस, वो आपको डिफरेंस मेकर हो सकते हैं आपकी फैंटेसी टीम्स के लिए। तो शुरू करते हैं अपना फैंटेसी कॉम्बिनेशन का प्रीव्यू। अनंत, स्ट्राइकिंग डिपार्टमेंट शुरू करते हैं, एंड देयर इज अ सर्टेन फॉरवर्ड आई थिंक विदाउट हूम वी कैन नॉट मेक आवर फैंटेसी टीम। यार वो रेसलिंग में ट्रिपल एच है ना, तो हालैंड को भी एक ट्रिपल एच बना दो आप फुटबॉल का। आई मीन ही इज जस्ट अ फिनोमिनल टैलेंट। इफ देयर वाज एनी डाउट कि वो जर्मनी से यहां आएंगे तो कैसे एडजस्ट करेंगे लीग में, उन्होंने बताया कि देयर इज अ रीजन व्हाई आई हैड अ गोल पर गेम इन बुंडेसलीगा एंड मोर देन अ गोल पर गेम इन चैंपियंस लीग। तो भाई स्टैट्स डोंट लाई, एंड विद इन केस ऑफ हालैंड दैट्स द केस। और अक्सर अक्षत और मैं जब पिक कर रहे होते हैं हमारी टीम, दिस इज फॉर द व्यूअर्स, you know we often say ki yaar ho sakta hai aaj goal na mare, but in Haaland's case we wonder ki yaar wo agar aadha ghanta bhi khela to 2 3 4 na maar de. That is the kind of player he is. He's just a machinery that is absolutely buzzing right now. To agar aap unko pick nahi karenge to bahut badi galti ho sakti hai. To Haaland ko to pick kar lijiye, goal aa sakte hain, you never know, pops up with an assist or two as well, but agar 3 4 5 nil tak score line chali gayi, so don't be surprised if there's another Haaland hat trick in there. And we know how hungry he is to score goals. And of course, अपने former club के against खेल रहे हैं because he's a Borussia Dortmund. Obviously, Borussia Dortmund से वो Man City आए थे this summer. So अगर मैं बात करूँ अपनी forward pick की, I'll go for Phil Foden. I think थोड़ा सा doubt है, I would say. I can't say with every Man City team there is always selection issues. So Pep Guardiola के दिमाग में obviously हम नहीं घुस सकते हैं because वो different way में operate करते हैं. तो फिल फोडन नॉर्मली आई वुड एक्सपेक्ट विल स्टार्ट दिस मैच बिकॉज उनका रीसेंट फॉर्म इज गुड। अगर आप सेविया के अगेंस्ट मैच देखेंगे, ही वॉज वेरी वेरी इंप्रेसिव आई फेल्ट। उन्होंने गोल स्कोर किया, उन्होंने असिस्ट कॉन्ट्रीब्यूट किया, इन्होंने प्रीमियर लीग में काफी सारे मिनट्स में कम मिनट्स में काफी सारे गोल्स और असिस्ट कॉन्ट्रीब्यूट करे हैं। एक थोड़ा कैवियट ये है कि पेप गार्डियोला ने काफी मैचेस में फोडन को हाफ टाइम में सब्स्टिट्यूट कराया या फिर 55-60 मिनट्स के बाद सब्स्टिट्यूट कराया। आई एम नॉट श्योर इट्स बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस, नॉट श्योर इट्स बिकॉज ऑफ फिटनेस, बट नॉर्मली 90 मिनट्स लास्ट नहीं करते हैं। तो फिल फोडन अगर वो स्टार्ट करते हैं, आई वुड बी सरप्राइज अगर वो 90 मिनट्स लास्ट करेंगे, स्पेशली बिकॉज मैन सिटी का सैटरडे को वुल्व्स के अगेंस्ट मैच है। बट ऑफकोर्स मैन सिटी की फॉरवर्ड लाइन में फिल फोडन की क्वालिटी का प्लेयर हो जो सर्विस दे सकता है फॉर समवन लाइक अर्लिंग हालैंड, आई थिंक मेरे हिसाब से इट्स अ नो ब्रेनर। तो नॉट ओनली आप इनको पिक कर सकते हैं, बट आई थिंक इज अ गुड डिफरेंशियल वाइस कैप्टेंसी ऑप्शन फॉर योर टीम एज वेल। तो अनंत चलते हैं अब मिडफील्ड सेक्शन में, दो पिक्स मेरी, दो पिक्स आपकी, आप शुरू करिए जरा। शुरू करते हैं एक और डॉटमंड के प्लेयर के साथ, जूट बेलिंगम। हमने जो कन्वेयर बेल्ट ऑफ टैलेंट होने की बात की थी डॉटमंड के बारे में, तो जूट बेलिंगम इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स। ऑफ कोर्स इंग्लैंड आर वाचिंग व्हाट जूट बेलिंगम इज डूइंग इन जर्मनी बिकॉज उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में भी वो बहुत जरूरी हो जाते हैं। और मुझे इसीलिए लगता है कि ये जूट बेलिंगम के लिए अच्छा मैच हो सकता है क्योंकि जब आप मैनचेस्टर सिटी जैसे क्लब के घर में आते हो तो आपके लिए एक वर्चुअल ऑडिशन भी होता है। एंड यू नो दैट आप इंग्लैंड आ रहे हो तो प्रीमियर लीग के सारे क्लब देख रहे हैं। ट्रूथ बी टोल्ड यार, बुंडेसलीगा कितनी भी अच्छी लीग हो बट लोग प्रीमियर लीग में खेलना चाहते हैं फॉर अ रीजन, नॉट जस्ट द मनी, इट्स ऑल्सो द आई बॉल्स एंड द पॉपुलैरिटी दैट यू कैन गेट विद इट एंड द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन विच कैन मेक यू बेटर एज अ फुटबॉलर। एंड यू आस्क एनी फुटबॉलर, दे विल टेल यू दैट। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि बिकॉज जूट बेलिंगम हुज ऑलरेडी स्कोर्ड इन द चैंपियंस लीग अगेंस्ट कोपेनहेगन इज नॉट जस्ट गोइंग टू हैव अ क्रूशियल इंपैक्ट फॉर डॉर्टमुंड, अगर डॉर्टमुंड को जीतना है तो बेलिंगम पे निर्भर बहुत होना होगा। एंड क्योंकि बेलिंगम मैनचेस्टर आ रहे हैं, इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन ऑडिशन फॉर हिम इन द प्रीमियर लीग। तो आई एक्सपेक्ट हिम टू राइज अप टू द ओकेजन बिकॉज इज अ फैबुलस यंग प्लेयर एट दैट डिस्पोजल। मेरे दूसरे पिक है मार्को रॉयस। तो एक तरफ यूथ है, दूसरी तरफ फिनोमिनल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस है। मार्को रॉयस ने भी चैंपियंस लीग में गोल मारा था, वो तो एक रूटीन सी उनकी आदत है। मार्को रॉयस की इंजरीज का अगर प्रभाव ना होता, वी वुड बी काउंटिंग हिम एज वन ऑफ द जर्मन ग्रेट्स। द प्रॉब्लम इज द मोमेंट ही हैज अ गुड स्टार्ट टू द सीजन, ही आइदर गेट इंजर्ड और ही माइट नॉट बी एबल टू फिनिश इट द वे ही वांट्स टू। तो मुझे मार्को रॉयस के लिए बहुत बुरा लगता है। दिस इज नॉट अ सिंपथी पिक, दिस इज अ पिक बिकॉज ही इज अ लीडर, ही इज द गाय दे लुक अप टू जब उनके पास क्राइसिस आती है, व्हेन दे आर लुकिंग फॉर अ गोल एंड आउटलेट फ्रॉम समवेयर। And again, somebody who can create a lot of chances, somebody can give you assists and pop in with the goal as well. Agar Dortmund ko achha karna hai, Bell and Marco Reus are going to be key because inki 11 ek hospital 11 jaisi lagne wali hai. Aapko itne sare log unfortunately injured hain. I don't think we're going to see the best squad of Dortmund in Manchester, which is a bit of a shame, Rakshit, to be honest.
बट इट्स ओके, दैट्स द काइंड ऑफ क्लब डॉर्टमुंड आर, वो एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं. सो ओवर टू यू फॉर द नेक्स्ट टू. नाउ डी ब्रुइने इज समवन जो आपको बहुत तरीकों से पॉइंट्स दे सकते हैं, बेल्जियन मैजिशियन. ही इज समवन जो ऑब्वियसली सारी फ्री किक्स लेते हैं, ऑलमोस्ट सारी फ्री किक्स लेते हैं फॉर मैन सिटी. इनके असिस्ट पोटेंशियल एंड चांस क्रिएशन नंबर्स आर ऑफ द रूफ, ऑफ द चार्ट्स बिल्कुल. एंड आई वी ऑल नो हिज पोटेंशियल. इनके जो ड्राइविंग रन्स होते हैं थ्रू द मिडल, ही इज ऑब्वियसली समवन जो ही इज एज इक्वली इक्विप्ड टू गिव अ डिफेंस स्प्लिटिंग पास एज काउंटर अटैक पे दोज रन्स बना के बिल्कुल स्कोर करना. एंड ऑब्वियसली विद अर्लिंग हालैंड, इनका जो असिस्ट नंबर्स है वो ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे. तो आई थिंक केविन डी ब्रुइने समवन जो एक, स्पेशली अगर आप चाहते हैं कि अर्लिंग हालैंड इस समवन जो गोल स्कोर करेंगे, देन केविन डी ब्रुइने इज मोस्ट लाइकली गोइंग टू बी द असिस्ट प्रोवाइडर. तो आई थिंक जो अर्लिंग हालैंड डी ब्रुइने का कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी कॉम्बिनेशन है वो बहुत मैचेस में आपको दिखेगा, बिकॉज इट इज सच एन ऑब्वियस ऑप्शन. बिकॉज उनका जो ऑलरेडी लिंकअप प्ले इतना सॉलिड हो चुका है कि आई जस्ट कांट लुक पास्ट दैट. सो डी ब्रुइने आई थिंक इज अ नो ब्रेनर, मस्ट हैव पिक. तो अनंत, मेरी दूसरी मिडफील्ड पिक है इलकाई गुंडोगान, कंटिन्यूइंग विद द थीम ऑफ पिकिंग फॉर्मर प्लेयर्स, बिकॉज गुंडोगान ऑफ कोर्स वाज अ फॉर्मर बोरुसिया डॉर्टमुंड प्लेयर. काफी थ्राइव करा था उन्होंने, और ऑफ कोर्स थ्राइव कर रहे हैं फॉर मैन सिटी एज वेल. हमें याद था कि एस्टन विला के अगेंस्ट इन्होंने टाइटल क्लिंचिंग गोल स्कोर करे थे, आपको याद होगा, ऑन द फाइनल डे ऑफ लास्ट सीजन. ही समवन हु हैज बीन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर अंडर गार्डियोला फॉर दिस मैन सिटी टीम. एंड स्पेशली अगर बात करते हैं कुछ मैचेस में, जैसे जिसमें जूलियन अल्वारेज नहीं स्टार्ट करते हैं, तो गुंडोगान नॉर्मली ऑपरेट्स एज अ शैडो स्ट्राइकर बिहाइंड अर्लिंग हालैंड. तो आप इनको रन्स बनाते हुए देख सकते हैं इनटू द बॉक्स. इनकी पोजीशन आपको फील्ड पे दिखेगी एज अ सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर अलोंग साइड रॉड्री, बट अगर आप एक्चुअली इनको मैच में देखेंगे यू विल सी ये लेट रन्स बनाते हैं इनटू द बॉक्स, और यही इनका यूएसपी है. एंड दैट इज व्हाई आई थिंक ही बिकम्स अ ग्रेट ऑप्शन फॉर योर टीम, बिकॉज ही इज नॉर्मली अ पर्सन हु चिप्स इन विद गोल्स. एंड ऑल्सो इनके पास इतना टैलेंट है कि असिस्ट, चांस क्रिएशन नंबर्स, बहुत सारे पासेस, एंड ऑफ कोर्स डिफेंसिव पॉइंट्स भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो गुंडोगान अगर आपकी टीम में, अगर लेट्स से आप देखते हैं स्टार्टिंग 11 में, आई थिंक ही इज ऑलवेज अ ग्रेट ऑप्शन फॉर योर फैंटेसी टीम. बात करते हैं अबाउट डिफेंस. सो चार डिफेंडर्स हम पिक करेंगे, दो आप और दो मैं. चलिए आप पहले शुरू करिए. Yeah, I'm going to start with captain, leader, legend Sunil Chhetri's favorite fullback. That's João Cancelo. अगर मेरी याददाश्त सही है, वही पिक करते ना हमेशा कैंसेलो को. तो यार अब मेरी मत सुनो, आप सुनील छेत्री की सुन लो. चलो, the one man in Indian football you can trust. But Cancelo, not just because of that, yaar. I mean, he's going to play that right back position Man City के लिए. Man City इतने हावी होने वाले हैं Dortmund पे. Goal scoring फुलबैक हैं, उसके अलावा असिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं. वी सॉ दैट इन द चैंपियंस लीग, दो असिस्ट दिए उन्होंने सेविया वाले गेम में मैन सिटी के लिए. सो वाइटल कॉग इन द व्हील. कैंसेलो से बेहतर फुलबैक्स बहुत कम होंगे अभी फिलहाल ऑन फॉर्म दुनिया में. सो वेरी इजी पिक इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, एंड बिकॉज सिटी इतना हावी होगी और फ्लैंक्स उनके इतने एक्टिव होंगे, तो आप कैंसेलो को वैसे भी पिक कर सकते हैं. नॉट जस्ट फॉर हिज क्लब, फॉर हिज कंट्री ऑल्सो ही स्कोर्स गोल्स. तो मतलब अगर आप उनको देखेंगे तो आई टेस्ट के हिसाब से भी आपको लगेगा अच्छा हाँ यही तो रक्षित और अनंत त्यागी बता रहे थे, इस लड़के को ले लेना चाहिए. तो एनीवे, सो कैंसेलो इज अ गुड ऑप्शन टू हैव. द अदर वन ऑन अ सिमिलर थीम, डॉर्टमुंड को आप थोड़ा सा क्रेडिट दे रहे हैं यार, दे नॉट दैट बैड अ साइड कि उनका कोई प्लेयर ही ना पिक किया जाए. समबडी आई हैव बीन वॉचिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, 2016 यूरो से मैं उनको देखता आ रहा हूँ, एंड ही गोज बाय द नेम ऑफ राफेल गुरेरो. इफ आई रिमेंबर करेक्टली ही स्कोर्ड अ गोल अगेंस्ट वर्डर ब्रेमन. बीच में थोड़ा सा स्टेबलाइज हुई थी डॉर्टमुंड की टीम, उसके बाद फिर से वो लाइप्ज़िग के अगेंस्ट एक क्रशिंग डिफीट उनको मिली. तो स्टेबिलिटी में बहुत बड़ा फैक्टर राफेल गुरेरो ना हो, लेकिन उनके अटैक में बहुत बड़ा फैक्टर वो बन सकते हैं, बिकॉज ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर. ही इज गॉट अ गोल इन बुंडेसलीगा, ही इज गॉट अ गोल इन द चैंपियंस लीग इन द लास्ट गेम, एंड ऑफ कोर्स ही इज आल्सो गॉट एन असिस्ट इन डीएफबी पोकल. तो असिस्ट दे सकते हैं, चांस क्रिएट कर सकते हैं, गोल कर सकते हैं, और अगर डॉर्टमुंड को काउंटर पे अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, सो आई हैव अ फीलिंग दैट दिस गाय कुड बी वेरी क्रूशियल, possibly in that left back position for Borussia Dortmund. So that's my two picks, and Rakshit, I think we'll like to go with some center backs with some exes meeting their old clubs. Yes, absolutely. A couple of things on Guerrero. आपने जब पोर्चुगल मेंशन किया, then I noticed कि actually ये starting full backs हैं दोनों पोर्चुगल के. Correct. João Cancelo will most likely play as a right back, और Rafael Guerrero will play as the left back. Yeah. For Portugal at the World Cup, so दोनों को आप एक साथ in tandem देख सकते हैं World Cup पे. Also, secondly, क्योंकि इस मैच में बोरुसिया डॉर्टमुंड मोस्ट लाइकली एक थ्री एट द बैक फॉर्मेशन खेलेगी, राफेल गुरेरो विल मोस्ट लाइकली ऑपरेट एज लेफ्ट विंग बैक, और हमें पता है कि विंग बैक्स को थोड़ा और अटैकिंग फ्रीडम मिलता है
और राफेल गुरेरो को एज अ लेफ्ट बैक भी अटैकिंग फ्रीडम की इतनी जरूरत नहीं है बिकॉज ही इज सो अटैकिंग जनरली, बट इस मैच में इवन मोर सो इनको चांसेस मिल सकते हैं, स्पेशली अगर कांसेलो राइट बैक खेलते हैं, ही ऑब्वियसली लाइक्स टू गो फॉरवर्ड अ लॉट एंड दैट मींस वो काफी स्पेसेस अपने पीछे छोड़ते हैं, तो समवन लाइक अ लेफ्ट विंग बैक लाइक गुरेरो आई थिंक उन स्पेसेस को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. हमें पता है कि ही इज नॉट ओनली एन असिस्ट प्रोवाइडिंग फुलबैक, ही इज अ गोल स्कोरिंग फुलबैक, सो आई थिंक ही इज अ ग्रेट पिक अनंत फॉर दिस टीम. और बात करते हैं अबाउट टू सेंटर बैक्स जिनके मैं जा रहा हूँ एंड बोथ मैन सिटी के लिए सेंटर बैक्स हैं. एक तो होंगे रूबन डियाज जो नॉर्मली हर मैच खेलते हैं, आई वुड से ये लीडर है मैन सिटी डिफेंस के, आपको 90 मिनट्स देंगे, सॉलिड प्लेयर, क्लीन शीट पोटेंशियल देते हैं, बहुत सारे पासेस कंप्लीट करते हैं, ही इज गुड इन द अदर बॉक्स एज वेल बिकॉज गुड हेडर ऑफ द बॉल. दूसरे प्लेयर के बारे में अनंत हम बहुत श्योर नहीं है, इट कुड बी समवन लाइक जॉन स्टोन्स जो स्टार्ट कर सकते हैं, इट कुड बी समवन लाइक नेथन आके, बट देर इज अनदर प्लेयर जो आई थिंक स्टार्ट कर सकते हैं इज फॉर्मर बोरुशिया डॉर्टमुंड प्लेयर वंस अगेन मैनुएल अकांजी, जो ऑफकोर्स हू मेड द मूव फ्रॉम बोरुशिया डॉर्टमुंड टू मैन सिटी ऑन द फाइनल डे ऑफ द ट्रांसफर विंडो, एंड ऑफकोर्स ही समवन जो मोस्ट लाइकली इस मैच में स्टार्ट करेंगे अलॉन्ग साइड रूबन डियाज. नाउ ही समवन जो बहुत पसंद है मुझे, काफी अच्छे बॉल प्रोग्रेस करते हैं, काफी पासिस कंप्लीट करते हैं, इज एक्चुअली टॉलर देन रूबन डियाज, सो मे बी ही इवन अ बेटर प्रेजेंस इन द ऑपोजिशन बॉक्स, सो आई थिंक ही समवन जो आपको वंस अगेन फॉर्मर क्लब है तो ऑब्वियसली ही इज ऑल्सो समवन जो मोटिवेटेड होंगे टू शो डॉटमन की वॉट ही कैन डू विद हिज न्यू क्लब, एंड आई थिंक दैट्स वाई मैं जस्ट अबाउट अकांजी को पिक करूंगा एज कम्पेयर टू लेट्स से जो लेफ्ट बैक स्टार्ट करेगा फॉर मैन सिटी इन दिस मैच. तुरंत गोल कीपिंग पोजिशन बची है एंड डॉटमन का कीपर ही लेना पड़ेगा बिकॉज वी हैव ओनली पिक 3 प्लेयर्स, तो जरा लोगों को बताइए उनके बारे में. यार ऑब्वियसली फर्स्ट चॉइस गोलकीपर ग्रेगोर कॉबल जो है वो मसल इश्यूज, मसल इंजरी की वजह से जो है ही इज नॉट अवेलेबल टू देम. एलेक्स मेयर ने क्लीन शीट रखी थी पिछले चैंपियंस लीग गेम में भी, सो आई एम एक्सपेक्टिंग हिम टू स्टार्ट बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग हिम टू कीप अ क्लीन शीट इवन फॉर द फर्स्ट हाफ एन आवर. So that is going to be a huge challenge for him, which automatically from a fantasy standpoint means you should pick him because wo itni sari saves ki opportunities aur points aapko de sakte hain, clean sheet aaye na aaye. Dusri taraf mujhe Man City ki bhi clean sheet aati nahi dikh rahi hai, to I didn't want to have a definite pick of Ederson in goal ki wo la raha hai to defenders ko bhi bonus points milenge aur goalkeeper ko to milenge. So I'm just going with Mayer in this case. I think buoyed by that clean sheet in the Champions League and stage aapko Man City jaisa agar mil raha hai, so you rise up to the occasion. It might not be enough on the night for him. He'll still concede goals, but he'll also give you saves. So a fairly straightforward pick given the injury situation at Dortmund, Rakshit. Bilkul Anant, and let's see ki wo in injuries ke baad kaise sustain karte apne performance against this excellent Man City team. Anant, baat karte hain high risk, high reward pick ki. Kuch aise picks jinki ownership bahut kam hoti hai, but agar unko aap pick karte ho, aapko bahut zyada gains mil sakte hain in your private leagues. तो शुरू करते हैं आपकी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक से फॉर दिस मैच. मैंने बहुत सोचा और बल्कि जब से वीडियो शुरू हुआ है तब से भी मेरे दिमाग में एक पीछे एक और ट्यून चल रही है कि यार हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड अक्षित पूछेगा तो कुछ सोच के रखना, क्या बोलोगे. बहुत सारे ऑप्शंस थे, यू नो आई विश थॉर्गन हैजार्ड की इंजरी की इसका स्टेटस मुझे पता होता तो मैं उनके बारे में सोच सकता था. मैन सिटी के बारे में अक्षित आपको ऑलरेडी बता चुका है कि गॉर्डियोला का मतलब उनको लंच ब्रेकफास्ट और डिनर भी शायद सर्टन नहीं होता हो, तो उनकी 11 कैसे हो सकती है. ही इज जस्ट दैट काइंड ऑफ अ मैन. तो बहुत मुश्किल है पिक करना समबडी लाइक अ महरेज कि आप ले लो और पता चला वो 80 मिनट तक आया ही नहीं पिच पे. सेम थिंग विद बर्नार्डो सिल्वा, यू नेवर नो, ही माइट नॉट कम ऑन टिल द 70th मिनट. तो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने डॉटमंड को थोड़ा सा क्रेडिट देते हुए डिसाइड किया कि आई विल गो विद समबडी लाइक अ जियो रेना हु पॉप्ड अप विद टू असिस्ट्स इन द लास्ट चैंपियंस लीग गेम. I have a feeling that if he gets a start backed by that performance, given the injury situation at Dortmund, तो अगर वो एक या दो गोल डॉटमंड को कहीं से मारने हैं और उनके आने हैं तो जियो रेना could have a part to play. And again, I always look at young players going to a big stage to impress people. Bellingham के बारे में मुझे ये लगता है, जियो रेना के बारे में मुझे ये लगता है कि अगर उनको Etihad Stadium जैसा atmosphere मिल रहा है वो उससे intimidate नहीं होंगे. He'll look at it as an opportunity. And because Man City के भी defensive injury issues हैं, Gio Reyna might just give you that X factor. A suggestion from a novice fantasy player like me, not like Rakshit, is that maybe you can drop a Rafael Guerrero and take a Gio Reyna in his place. But don't drop any Manchester City player, वरना आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. But maybe Rakshit will disagree.
इट्स जस्ट अबाउट कि विल ही स्टार्ट और नॉट. अगर वो स्टार्ट करते हैं आई थिंक इज अ गुड ऑप्शन बिकॉज मैन सिटी हमेशा काउंटर अटैकिंग में स्ट्रगल करती है, ट्रांजिशन में कहते हैं स्ट्रगल करती है, और जो क्विक प्लेयर्स होते हैं समय लाइक जियो रेना आई थिंक कुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग पिक, बट इट्स ऑल अबाउट की वेदर ही स्टार्ट्स दिस मैच और नॉट. बट मेरी भी आई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक एक डॉटमंड प्लेयर है बट समवन ऑन द अदर साइड ऑफ पिच एंड दैट इज निकोलस लॉटरबेक. नाउ आई थिंक ही समवन जो बिल्कुल ही लो ओन होंगे, आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा लोग इनको कंसिडर भी कर रहे हैं, बट आई थिंक इज अ सॉलिड इफ नॉट स्पेक्टेकुलर पिक फॉर दिस मैच बिकॉज आई रियली फील की ऑफ ऑल द डॉटमंड डिफेंडर्स डिफेंसिवली ही इज द बेस्ट. ही समवन जिनको फ्रॉयबर्ग से साइन किया था एंड आई थिंक ही समवन जो बोरुशिया डॉटमंड के फ्यूचर लीडर है इनके डिफेंस के, बट इनके जो टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स हैं दे आर इजली द बेस्ट एंड आई थिंक ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दैट इनको मैं सिलेक्ट करूंगा. ऑब्वियसली नेगेटिव पॉइंट्स मिल सकते हैं, ऑब्वियसली पीपल विल पिक राफेल गुरेरो जैसे हमने पिक किया है अपनी टीम में बिकॉज ही इज अ बेटर अटैकिंग ऑप्शन जो मैन सिटी को थोड़ा हर्ट कर सकता है. बट अगर आपको लगता है कि मैन सिटी इस मैच में क्लीन शीट रखेगी देन आई थिंक इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर अ वेरी डिफेंसिव प्लेयर फ्रॉम बोरुशिया डॉर्टमंड जो आपको हाई टैकल इंटरसेप्शन पॉइंट्स देगा, मे बी अ फ्यू पासिंग पॉइंट्स एज वेल, देन आई थिंक श्लॉटरबेक हू मोस्ट लाइकली विल प्ले एज द लेफ्ट सेंटर बैक ही मे बी समवन जो काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है, स्पेशली अगर समवन लाइक मारेस प्लेस जो बहुत इजिली ड्रिबल मतलब ड्रिबल काफी करते हैं सो ही लूजेस द बॉल क्वाइट ऑफन, मे बी ही कैन श्लॉटरबेक कैन पुट इन अ फ्यू टैकल्स एंड विन द बॉल ऑफ हिम. सो श्लॉटरबेक इज माय हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक फॉर दिस मैच. अनंत आते हैं अब प्रिडिक्शन पे. नाउ कल हमारी प्रिडिक्शन थोड़ी ऑफ हो गई है सो लेट्स ट्राई एंड नेल इट टुडे. सो क्या है आपकी प्रिडिक्शन फॉर मैन सिटी वर्सेस बोरुशिया डॉर्टमंड? Yeah, I was expecting Barcelona to score. Unfortunately, hua nahi. But it's okay. We still got a very good game of football. Sometimes the scoreline doesn't give you a complete picture. Mm-hmm. I'm going with a 3-1 Manchester City win yahan pe. I'm expecting Dortmund to at least find one goal. It could be later in the game. It could be very early in the game as a surprise. Or it could be very late in the game when Man City are just trying out different options. But they might score. And Man City ke liye, Haaland shayad do maar de yaar. और मैन सिटी 3-1 से जीत जाएगी मुझे ऐसा लगता है. व्हाट अबाउट यू? सो आई विल अग्री द मैन सिटी पार्ट बट आई थिंक आई विल बैक सिटी टू कीप अ क्लीन शीट. आई जस्ट फील कि डॉर्टमुंड करंटली आर विदाउट अ लॉट ऑफ देयर यू नो फास्टर प्लेयर्स बिकॉज ऑफ इंजरीज. अदेयेमी इज अ डाउट, डोनियल मालिन इज अ डाउट, ऑफ कोर्स सेबास्टियन हालेर इज अनअवेलेबल, थॉर्गन हाजार्ड इज अ डाउट. तो प्रॉब्लम ये है कि जो फास्टर प्लेयर्स हैं जो मे बी ऑन द ब्रेक हर्ट कर सकते हैं मैन सिटी को वो अवेलेबल नहीं है एंड मैन सिटी ऑफ कोर्स आर अ टीम जो आई अग्री कि उनके भी खुद के डिफेंसिव इश्यूज हैं. काइल वॉकर फॉर एग्जांपल इज अ डाउट. लैपटॉप ऑब्वियसली अभी तक खेले नहीं है सीजन में बट दे जस्ट कीप द बॉल एंड इफ यू कीप द बॉल इफ यू डोंट गिव द बॉल अवे ऑपोजिशन को देन आई थिंक दे स्टैंड अ वेरी गुड चांस ऑफ कीपिंग अ क्लीन शीट. प्रॉब्लम यह है कि जब डॉर्टमुंड बॉल जीतेगी भी वो क्या करेगी बॉल के साथ मेरा कंसर्न है. तो आई थिंक आई विल गो फॉर अ 3-0 मैन सिटी विन एंड मे बी एन अर्लिंग हालैंड हैट्रिक फॉर दिस मैच. Okay. Anyways, it will be a great occasion and thanks Anant Tyagi for joining us once again for the latest episode of VU Sports Scouts. We will be back very very soon. Hopefully, agar kuch Premier League action weekend pe hota hai, to Anant Tyagi will join us again. Thank you all for watching. Enjoy the match tonight and I'll see you soon. Cheers, guys.